मैं आप तक हजूर के वो चार फरामीन पहुंचाना चाहता हूं, जो लाखों अदीस का खुलासा है और इन चार अदीस को अगर हम अच्छी तरह अपनी रूह में उतार लें तो हमारी पूरी ज़िंदगी नूर नला नूर हो जाएगी जिंदगी में रोशनियां भर जाएंगी ज़िंदगी में उजाले आ जाएंगे हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी पहली हदीस इन अमल आमाल बिन नीयात आमाल का दारदार नीयतों पर है नीयत अच्छी है तो सिला मिलेगा नियत बुरी है तो अच्छे अमल का भी सिला नहीं है दूसरी हदीस हलाल भी वाज है हराम भी वाज है और हराम और हलाल के दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते जिसने अपने आप को शुबे वाली चीज़ों से बचा लिया उसने अपना दीन भी बचा लिया अपनी इज्जत भी बचा ली और जो शुबे वाली चीज़ों में पड़ गया गोया वो हराम चीज़ों में पड़ गया तीसरी बात हुजूर ने शाद फरमाया किसी शख्स के इस्लाम का हुसन ये है कि वो हर बे मकसद काम को छोड़ दे ये इस्लाम का नूर और इस्लाम का हुसन बंदे को नसीब होता है अगर वह बे मकसद कामों को छोड़ दे हमारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है एक एक सांस बा मकसद होना चाहिए लेकिन हम अपने वक्त को किस आवारगी के साथ किस बेदर्दी के साथ गुजारते हैं हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने फकीरों से दो बातें बड़ी पते की सुनी और उन्होंने मुझे बड़ा नफ़ा दिया एक तो ये अल सैफ उन पातन वक्त काट देने वाली तलवार है अगर वक्त को तुम काटोगे तो ठीक वरना वक्त तुम्हें काट देगा दूसरी बात जिसने मुझे बड़ा नफा दिया वो ये कि अपने आप को नेकी के कामों में लगा दो वरना नफ्स तुम्हें बुराई के कामों में मशगूल कर देगा अपने इर्द गिर्द ताना बाना ऐसा बुन लो अपने हालात ऐसे बना लो अपनी दोस्ती ऐसी वजह कर लो कि तुम नेकी के माहौल में रहो वरना शैतान बुराई के अंदर मुबतला करने में देर नहीं करेगा और नफ्स तुम्हें जो है वो शर में मुबतला कर देगा तो फरमाया किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को छोड़ दे चौथी हदीस सुन लीजिए मेरे हुजूर ने फरमाया उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है मैं और आप अपने लिए जो पसंद करते हैं हमें अच्छी तरह पता है अपने भाइयों के लिए अपने अजीज़ों के लिए अपने दोस्तों के लिए अहले ईमान के लिए भी वही पसंद करें खैरियत आफियत दौलत इज्ज़त आबरू ये हम पसंद करते हैं अपने लिए और हम ये सब जो है वो अपने अजीज़ों के लिए अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें अहल ईमान के लिए भी पसंद करें अल्लाह सब को आबरू दे किसी की इज्जत पे हरफ ना आने पाए किसी को धोखा ना हो किसी को फ्राड ना हो अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी से खुद फ्राड तो नहीं करते लेकिन उससे फ्राड हो रहा हो उससे धोखा हो रहा हो तो उससे खुश हो रहे होते हैं कि ये मेरा शरीक है ये मेरा दुश्मन है इसको नुकसान हो रहा है तो फरमाया कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो वो पसंद ना करे अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करता है और ये अगर कैफियत नसीब हो जाए तो फिर ईमान की हलावत और ईमान का नूर नसीब होता है